सूर्य पुत्र कर्ण के 5 शक्तिशाली दिव्य अस्त्र जिनसे देवता भी डरते थे। यह अस्त्र उस काल में कर्ण के सिवा किसी के पास नहीं थे, यहाँ तक कि अर्जुन के पास भी नहीं। कर्ण के इन अस्त्रों को देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए थे और उन दिव्य अस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम इतिहास की रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्ण के महाशक्तिशाली 5 दिव्य अस्त्रों के बारे में। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच जब महायुद्ध चल रहा था तब एक बार कर्ण ने महासर्प अस्त्र चलाया और अश्व से नांग उनके उस अस्त्र पर बैठ गया जो कि और बाणों से अलग था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बाण के रूप में अश्व से नांग है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पांव से रथ को नीचे की ओर दबा दिया। रथ के पहिए भूमि में धस गए और घोड़े भी एक तरफ झुक गए। तब वह बाण रूपी अश्व से नांग अर्जुन को लगने के बजाय अर्जुन की गर्दन के पास से निकलता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस अश्व से नांग का वध कर दिया। अब बात करते हैं कर्ण के पास भगवान परशुराम के दिए हुए विजय धनुष की। पौराणिक काल में शास्त्रों के अनुसार दिव्य अस्त्रों को चलाने के लिए दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी क्योंकि साधारण धनुष से उनका संधान नहीं किया जा सकता था। कर्ण का यह धनुष भी दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया तब अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण भगवान परशुराम के पास अस्त्रों शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए पहुंचे क्योंकि उन्हें डर था कहीं सूत पुत्र होने के कारण भगवान परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना ना कर दें। इसीलिए ब्राह्मण के भेष में कर्ण ने भगवान परशुराम से अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन एक दिन जब भगवान परशुराम को पता चल गया कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है और उन्होंने छल से शस्त्र विद्या सीखी है तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें मेरे दिए गए अस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस वक्त तुम्हें इनका विस्मरण हो जाएगा। फिर उसके बाद कर्ण ने जब परशुराम को भेष बदलने का कारण बताया तो परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उन्हें दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता लेकिन तुम्हें यह अपना विजय धनुष देता हूँ। जब तक यह तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता और ना ही कोई तुम्हारा वध कर सकता है। इंद्रदेव की वास्तविक शक्ति, या तो सभी जानते हैं कि कर्ण को उनकी दानवीरता के लिए जाना जाता था और इसी दानवीरता के फलस्वरूप उन्हें इंद्र की वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को इस बात की चिंता सता रही थी कि कर्ण के कुंडल और कवच के होते मेरा पुत्र अर्जुन कर्ण को परास्त कैसे करेगा क्योंकि वह जानते थे कि सूर्य देव का दिया हुआ कुंडल और कवच जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे परास्त करना या उसका वध करना संभव नहीं है। इसीलिए जब एक दिन कर्ण सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे तब इंद्रदेव उनके सामने ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और दान में उनसे उनके कुंडल और कवच मांग लिए और कर्ण ने दान में उनको अपने कुंडल और कवच दे दिए। इसके बाद इंद्रदेव ने कर्ण को अपनी वास्तविक शक्ति प्रदान की थी और उनसे कहा कि इस वास्तविक शक्ति का उपयोग तुम एक बार ही कर पाओगे और जिसका नाम लेकर तुम इसका संधान करोगे उसकी मृत्यु निश्चित होगी। और उस अस्त्र को कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा रखा था लेकिन जब युद्ध चल रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल किया और कर्ण को इंद्र की वास्तविक शक्ति चलाने पर विवश कर दिया। इन सब के अलावा कर्ण के पास अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र मौजूद थे जो मंत्र द्वारा प्रकट किए जाते थे
और इनका संधान करने के लिए कर्ण विजय धनुष का प्रयोग करते थे। भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र एक अत्यंत ही शक्तिशाली अस्त्र था। कहते हैं भार्गव अस्त्र कर्ण को भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र कर्ण के अलावा किसी के पास भी नहीं था। इस अस्त्र के प्रयोग से कर्ण ने एक बार पांडव सेना पर कहर बरसा दिया था। इस बाण को चलाने पर इससे एक बार में हजारों बाण निकलते थे। इससे तरह तरह के बाण निकलते थे जिससे पांडव सेना को काफी हानि हुई थी। उस दिन भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सेना को युद्ध से पीछे हटने के लिए कहा था। जब जब कर्ण ने अपने महाशक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया तब तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाते रहे और यह शक्तिशाली अस्त्र कर्ण के अतिरिक्त और किसी भी योद्धा के पास नहीं थे, जैसे कि इंद्र द्वारा दी गई वास्तविक शक्ति। भार्गव अस्त्र और महासर्प अस्त्र यानी कि अश्व से नांग। महाभारत में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष भी नहीं था। अगर कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उनका वध नहीं कर सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कर्ण को देखकर सोच में पड़ जाते थे।